गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, अब गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे अपन, तो आगे का टॉपिक देखेंगे, इमेज टू फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, ये एक ड्रॉ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये ड्रॉ देखेंगे, इस ड्रॉ में क्या लिखा है कि अगर हम अपने आप को रोज मिरर में देखते हैं तो हमारी जो इमेज है हमको दिखाई देती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारी फोटो या हमारा इमेज दिखाई देता है वो कैसे बनता है? यहाँ पे देखिए, इस ड्रॉ में एक ऑब्जेक्ट है ए, जो कि ये प्लेन मिरर हमने लिया हुआ है एम एम डैश, ठीक है। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए, जिसको हम देखेंगे इस प्लेन मिरर में। तो माही सोनी डोंट टच स्क्रीन अदरवाइज आई विल रिमूव यू। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दो रे बनती है, एक ए एन और एक ए एन डैश। ये दोनों रे जो है वो जाती है इस मिरर पे और टकरा करके हमारी आईज में आती है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है एन आर और एन डैश आर डैश। तो जब भी कोई लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, यहाँ पर मान लेंगे यहाँ सन है और सन से लाइट यहाँ गई है, और वो जब लाइट यहाँ जाती है तो यहाँ इस मिरर पे टकराती है और हमारी आईज पे वापस आती है। तो अगर हम इन दोनों लाइन को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से लाइन बनता है। इस कारण से ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जो कि मिरर के अंदर पे है, हमको हमारा इमेज दिखाई देता है मिरर के बैक साइड में। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बोलूंगी तब वॉइस है। मैं बोलूंगी तब ना वॉइस आएगा। हाँ, बिना बोले वॉइस आता है, मैंने म्यूट किया हुआ था क्या? कंटिन्यूसली मैं बोलती थोड़ी रहूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक होके टकरा के मिरर पे जाता है और हमारे आईज पे वापस आता है, तो हमको इसका इमेज दिखाई देता है। और ये दोनों रे को अगर हम पीछे ले जाकर के ज्वाइन कर देंगे तो ये पीछे मिरर के पीछे साइड पे जो पॉइंट बन रहा है एस, वहीं पे हमको हमारा इमेज दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो इमेज है, मतलब कि जैसे कि हम है वैसे ही एज इट इज मिरर के अंदर पे एक और पर्सन दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो इमेज आपको मिरर के पीछे में दिखाई देगा उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो इसके बाद है कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमको मिरर के पीछे में दिखाई देता है और जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन के सामने दिखाई देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट लिखा है, नाउ इट इज क्लियर दैट साइज ऑफ द इमेज विल बी द सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने ज्यादा हाइट के आप होंगे उतना ही हाइट का आपको इमेज भी मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आप बड़े दिखाई देंगे, अगर आपकी हाइट कम है तो आप छोटे दिखाई देंगे।
इसके बाद द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, हमारा जो इमेज बनता है वो मिरर की बैक साइड में बनता है, मिरर के अंदर भी दिखाई देता है, मिरर के बाहर नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी इमेज जब दिखाई देगी तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आपका राइट हैंड होता है वो मिरर में लेफ्ट साइड पे होता है और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर के राइट साइड पे होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये कमल लिखा हुआ है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये पीछे में उसका पॉलिश सरफेस है, ठीक है, सामने पे आपको देखना है तो ये जो कमल जो लेटर है सामने में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन मिरर में आपको ये उल्टा दिखाई देता है। तो कोई भी इमेज मिरर पे इस तरह से जब उल्टा दिखाई देता है तो उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन में राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट पे दिखाई देता है और लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड पे दिखाई देता है। ठीक है, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ये देखिए स्फेरिकल मिरर देखेंगे। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? अभी तक हमने जो मिरर देखा वो प्लेन था, मतलब कि फ्लैट था। अभी जो देखेंगे वो स्फेरिकल मिरर देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखें स्पून का, चम्मच आपने देखा होगा कैसा होता है, इस तरह से चम्मच होता है और वो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है अंदर साइड पर, बैक साइड पर उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो जो है कर्व शेप का इस तरह से आपको दिखाई देगा, चम्मच जो है वो कर्व शेप का थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर एक बॉल दिखाई दे रहा है, इस बॉल को अगर हम साइड से कट कर देंगे, कट करके अगर हम निकालते हैं तो ये जो एरिया हमको मिलेगा ये अंदर साइड पे धंसा हुआ रहता है और बाहर साइड पे उठा हुआ रहता है। तो अगर आप स्पून में अपने आप को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको जो इमेज है वो स्पून में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, और अगर उस स्पून को आप पलट देंगे तो उसमें आप अपनी फोटो देखेंगे छोटी दिखाई दे रही है। तो जो स्पून होता है वो स्पून एक स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसका जो शेप है वो कर्व शेप का होता है, वो प्लेन नहीं होता है। तो इसके दो शेप बनते हैं स्पून के, एक शेप जो होगा वो इस तरह से होगा अंदर की ओर ये वाला, और एक शेप जो होता है वो बाहर की ओर होता है। माइक को तो ऑफ ही रखेंगे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, जिसका माइक में ऑन दिखेगा मैं उसको भगा दूंगी यहाँ से। हाँ, तो ये जो आपका मिरर है वो, सॉरी स्पून है, वो एक अंदर साइड पे धंसा हुआ रहता है, बाहर साइड पे उठा हुआ रहता है। तो आप दोनों साइड से इसका इमेज देख सकते हैं। इसके दो फेस होते हैं, एक इनर एरिया जिसको हम कॉनकेव कहेंगे, कॉनकेव, और जो आउटर एरिया होता है जो उठा हुआ रहता है उसको हम कॉनवेक्स कहते हैं। याद रखेंगे, आगे क्लासेस में भी आपको काम आएगा। स्फेरिकल मिरर का जो अंदर साइड होता है धंसा हुआ, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, और जो उठा हुआ एरिया होता है उसको हम कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। तो अब इसके बाद में एक्चुअली ये कैसे दिखता है उसको देखते हैं। ये देखिए जो दो ड्रॉ बना हुआ है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, इसी ड्रॉ में 12.10 इस ड्रॉ में एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स बनाया गया है। एम एन एक कॉनकेव मिरर है, सेम एज एम एन यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसका एरिया जो है, इस साइड वाला जो एरिया है वो पॉलिश है, और अंदर वाले एरिया पे हम देखते हैं वैसे ही इसका जो अंदर वाला एरिया है वो पॉलिश है, और उठे वाले एरिया पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है, एकदम से बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको पोल कहा जाता है, और वहां से एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आप ध्यान देंगे ये एक स्फेरिकल शेप का है, अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, और यहाँ भी एक सर्कल बन जाएगा। ये जो सर्कल का सेंटर जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वैसे यहाँ पे जो सेंटर होगा उसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो पोल हो गया, जो लाइन ड्रॉ होती है
मतलब जो डायमीटर है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे और सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन में आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल, तो आपको ये बताना है डेफिनेशन में। तो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड अभी यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर को लिया गया है। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हो जाएगा, इस साइड वाला जो एरिया है वो पॉलिश होगा, उस पर हम नहीं देखेंगे, इनर एरिया पे देखेंगे। इस मिरर को हम सन की कांटेक्ट में रखते हैं, यहाँ पर सन हो गया, सन से लाइट आएगी और सन से जो लाइट आएगी वो इसकी डायरेक्ट मिरर पे पड़ती है। इसके बाद आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर, उस पेपर को मिरर के सामने रखना है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो सन की लाइट है वो सन से डायरेक्ट मिरर पे आती है और मिरर से आने के बाद वो मिरर से टकराने के बाद वो उस कागज पे जाकर के, जो कागज रखा है येलो कलर का, इस पे जाकर के टकराती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी लाइट रेज मिरर पे पड़ेगी और वापस वो उस प्लेन पेपर पे आकर के गिरती है, मतलब कि उस प्लेन पेपर पे एक सन का एक स्पॉट बन जाता है। तो अगर आप इसको बहुत देर तक रखेंगे तो वो जो स्पॉट है वो बहुत शार्प होता जाता है, पॉइंटेड शार्प होता जाता है, और बहुत देर तक रखने के बाद में वो जो आपका पेपर है वो जलने लगता है, क्योंकि जो सन है, सन की जो हीट है वो मिरर पे आई और मिरर हीट हो गया और उसका जो रे है वो इस प्लेन पेपर पे पड़ता है और उस प्लेन पेपर को वो वहां पे जला देता है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, सन की इमेज कहाँ पे बनी, सन को हमने पहले मिरर पे लाया और मिरर के बाद वो उसका जो इमेज था वो उस प्लेन पेपर पे आया, तो इसी को रियल इमेज कहेंगे जो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जो मिरर के अंदर दिखाई देता है। भावेश साहू, लॉ ऑफ द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, इसके कुछ लॉ होते हैं कि इमेज कैसे बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 ड्रॉ दिया हुआ है, लॉ नंबर 1, ये लॉ नंबर 2, ये लॉ नंबर 3। यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के पास एक लाइट रे है, ठीक है, वो जो लाइट रे है पहले वो यहाँ से आती है, इस पर टकराती है और ऐसे वापस आ जाती है, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे स्क्रीन पे पड़ती है और स्क्रीन पे पड़ने के बाद, मतलब कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका लाइट रे है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से लाइट रे आएगी और यहाँ से वो चली जाएगी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ। दूसरा लॉ, यहाँ एरो का निशान देखेंगे, स्क्रीन नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा स्क्रीन, किसको नहीं दिख रहा है, मैम माही सोनी। हाँ हाँ ठीक है, बाकी बच्चों को मैम दिख रहा, बाकी मैम दिख रहा है, तो बेटा माही आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इस कारण से नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप ऑफ करके ऑन कर लो, शायद आपको दिखाई दे क्लियर, या नेटवर्क में चले जाओ, क्योंकि मेरे साइड से भी मुझे दिखाई तो दे रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए, लाइट रे जो थी वो यहाँ से आती है और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो सेकेंड है लॉ, इसमें जो लाइट रे है वो फोकस से एंटर करती है और यहाँ से बाहर की ओर जाती है। थर्ड में जो लाइट रे है वो यहां से एंटर करेगी और यहीं से वापस जाती है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंटर करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाती है। अभी आपको इसका ज्यादा यूज नहीं है, आपको सिर्फ इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज,
और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे आपको पता होना चाहिए। एक एक्टिविटी और है, इस एक्टिविटी में कॉनकेव मिरर को लेंगे हम और ऑब्जेक्ट के लिए कैंडल लेंगे, गम लेंगे, दो वुडन ब्लॉक, वाइट पेपर, माचिस और चार पिन, और इसको सेट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को लेंगे और उसको इस वुडन के ब्लॉक में इस तरह से अटैच करके रखेंगे दो पिन की हेल्प से। उसके बाद एक वाइट पेपर लेना है दूसरे वुडन ब्लॉक में, ठीक है, ये वाइट पेपर लेंगे हम और एक कैंडल को यहाँ जला करके उसी ब्लॉक के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉक है जिसमें मिरर लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक जिसमें मोमबत्ती लगी हुई, इस ब्लॉक को घसकाएंगे। जब इसको आप आगे या पीछे की ओर घसकाते हैं तो आपको इस जो कैंडल है उसका इमेज दिखाई देगा, वो जो नीचे पेपर लगा हुआ है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, ये जो है एक वुडन का ब्लॉक लिए है और ऊपर पे मोमबत्ती लगाएंगे और इसी में यहाँ पर एक प्लेन पेपर को चिपकाते हैं और यहाँ पे मिरर लेते हैं। इस मिरर को जैसे ही आप आगे पीछे करोगे, इसका जो यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है वो यहाँ से यहाँ दिखाई देगा, आपको यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे इस मिरर को आगे या पीछे की ओर करते हैं तो आपको यहाँ इमेज दिखाई देगा। देखिए, जो मोमबत्ती है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ था हमने, लेकिन उसका जो इमेज है वो उल्टा दिखाई देता है और वो जो इमेज दिखाई देगा वो सेम एज मोमबत्ती की साइज का होता है। तो इस पोजिशन पे हम ये कहेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, मतलब कि ये जो आपका मिरर था, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इमेज जो है यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक, ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो यहाँ पे, मतलब इस मिरर के सेंटर पे दिखाई देगा। विदाउट प्रैक्टिकल आपको ये इजीली समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे, मेजर करेंगे, तो जो डिस्टेंस होती है वो कम ज्यादा करने से ही इसका जो इमेज है इस तरह से दिखाई देगा। फिर दूर या पास करेंगे तो जो इसका इमेज है वो आपको अलग दिखाई देता है। चलिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएं या फिर कल करें? दो तीन टॉपिक और हैं। अभी तक मैंने जितना समझाया आया समझ में? चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। यस मैम। कुछ क्वेश्चन दे रही हूं मैं ग्रुप में, उसको आप बताइए आंसर, सॉल्व करके बताइए, ठीक है। कुछ डेफिनेशन दूंगी, वॉइस मैसेज में बताएंगे मुझे। ओके मैम।